को ये वाला ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे कोर्सेज वगैरह ना मैं कभी करता हूँ, ना कुछ कभी सोचा कि कोई ज़रूरत है। मगर देखो मेरे साथ कौन बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं मेरे पार्टनर, और बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी अभी इन्होंने ना किसी को इंट्रोड्यूस करवाया मेरे को कि मीट माई पार्टनर सुनील, तो बहुत अच्छा लगा वो सुन के, बहुत खुशी हुई। सो अभी हम लोग लंच कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले वो तो मैं ऑब्वियसली शूट नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो दैट बिलोंग्स टू समबडी एल्स। बट इन बिटवीन बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूँगा कि क्या हो रहा है, यू नो समवॉट। एंड ऑब्वियसली जब शोभित यहाँ पर हैं तो हम लोग मज़े तो करने ही वाले हैं, और आप लोग के भी मज़े करवाएंगे ही करवाएंगे। ये थोड़ा शर्ट वर्ट देख के थोड़ा परेशान मत होना, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे एकदम कैजुअल्स में देखते हो, बट यहाँ पे भाई अटायर ऐसा है ना 3 दिन का, मतलब वो समझने में मुझे टाइम लग गया। वो PDF मैंने 4 बार देखा कि एक दिन बिजनेस कैजुअल है, एक दिन कुछ टी शर्ट है, एक दिन ऑल ब्लैक है। तो खाली शर्ट ही नहीं है, ये ब्लेजर भी है यहाँ पे। रूम हमें मिल गया है, लंच के बाद कुछ वेट नहीं करना पड़ा, रूम मिल गया है, और एज एक्सपेक्टेड फैमिली यहीं पर है, तो आई डोंट थिंक मैं रात को रुकूंगा, बट ठीक है हमारे पास रूम तो है चिल आउट करने के लिए, और रुकना भी हो तो रुक सकते हैं। और जिम आई थिंक मेरे को यही होटल का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज जिस होटल में वो लोग रुके हैं आई डोंट थिंक वो इतना अच्छा है, और इतना अच्छा जिम वहाँ पे होगा। रूम टूर करवा ही देता हूँ। शोभित भी सूट में, मैं भी सूट में, पार्टनर्स। अब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं ना। बिजनेस कैजुअल, बिजनेस फॉर्मल। हाँ बिजनेस कैजुअल था थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया हमको, बट अब अभी ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी, सीख रहे हैं। या बॉडी भी फिट रखना पड़ता है, तभी ये सब सूट वूट मस्त रहता है। ये भी इतना बड़ा पेट निकला फिर मज़ा नहीं आता, उसके ऊपर सूट बिल्कुल सूट नहीं करता है। हाँ तो ये भी एक मोटिवेशन एक्स्ट्रा मिल गया है कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस जैसी बॉडी भी बना के रखो। शोभित त्रिपाठी, तो जितने लोगों को नहीं पता लाइफ एक्स करियर के बॉस शोभित त्रिपाठी है, और नाम का सबका जाते ही हमें टाइम पे एकदम प्रॉपरली टाइम पे ये पैकेट मिल गया। इसमें था ये लेबल, ये अच्छा सा बैग जो मैं रंजना को दे दूंगा, खुश हो जाएगी, कपड़े रखेगी इसमें, और ये अच्छा सा इनका बुकलेट मिला है। अब बुकलेट के अंदर क्या है वो तो अभी तक मैंने खुद भी नहीं देखा है, तो अभी तक फ़िलहाल सारी चीज़ें टाइम पर हो रही हैं। और देखो यहाँ पे ना लिखा है सुनील कुमार सिंह, ये नहीं लिखा है कि कैप्टन सुनील कुमार सिंह, क्योंकि यह कैप्टन वाली कोई बात है नहीं। और वैसे भी जब आप जहाज़ से उतर जाते हो ना तो आप कैप्टन नहीं होते, क्योंकि आपके पास कोई शिप है ही नहीं, तो कैप्टन किस बात की। तो सुनील कुमार सिंह करेक्ट नाम है, शोभित त्रिपाठी एकदम करेक्ट नाम है। वी आर गोइंग टू एन्जॉय, एक बात तो पक्की है, अगले 2-3 दिन हम मज़ा तो 100% करने वाले हैं, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने भी वाले हैं। वी आर लर्निंग समथिंग जो हमने आज तक कभी लर्न नहीं किया, वो हम लर्न करने वाले हैं। सो जब आज day 1 एंड होगा, देन आई विल टेल यू द एक्सपीरियंस, यस क्या लर्न किया है। day 1 फॉर अस विल टेक टाइम, आपके लिए 1 सेकंड में day 1 एंड। दोस्तों कल रात को हमको इतना लेट हो गया और हम थक चुके थे कि हमने day 1 का एंडिंग शूट नहीं किया। अभी day 2 का हमारा आउटफिट देखो है कि ये यू नो स्मार्ट कैजुअल बोला था, कैजुअल ही था आज का, स्मार्ट कैजुअल था एक्चुअली। उन्होंने ऐसी रीसेट की टी शर्ट दी थी, बट मेरी तो बहुत ही छोटी हो गई, मैंने मीडियम मंगाया था, ये स्मार्ट थे, इन्होंने एक साइज बड़ा मंगाया था, बट फिर भी इनको हल्का सा टाइट हो गया, बट ठीक है इनको शूट कर रहा है, बॉडी है इनकी अच्छी, तो सूट कर रहा है। मैंने एक्सेल मंगाया था तो लार्ज वाले साइज में आ गया एक्चुअली। या क्या बात है, वॉकिंग हो रहा है क्या। हाँ तो day 1 का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए क्या हुआ day 1 में। day 1 इज लाइक स्वास्तिक वॉज सेटिंग अप द एनर्जी, होल एनर्जी थिंग। सो कल हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे हमारी एनर्जी थोड़ी पीक पे आ जाए। पीक एनर्जी सेशन थे, कुछ सबकॉन्शियस टैप थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम लोगों ने अपने पास्ट में जा कर के कुछ चीज़ों को रिलेट किया, समथिंग गुड समथिंग बैड, एंड फिर हम उसको लेकर के प्रेजेंट में आए। कुछ हमने ऐसा भी किया कि कुछ फ्यूचरिस्टिक विजन्स बनाए कि फ्यूचर में क्या करना है, एंड देन वो एनर्जी हम वापस लेकर के आए। सो राइट नाउ वी आर लिविंग इन प्रेजेंट, बट वी आर सेटिंग अप आवर एनर्जी इन प्रेजेंट, सो टुडे इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। या ऑब्वियसली डे 2 के एंड में हम बताएंगे क्या रिव्यू, बट मेरा तो भाई ऐसा था आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे लगा कि मतलब ये तो ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, पता है वीडियो में लोगों को बता भी चुके हैं, बट येस दिस वॉज अ सेमिनार जिसमें कि यू नो अलग ही था, एकदम ही अलग एक्सपीरियंस था, एनर्जी लेवल्स पर हाई, हर बार हम डांस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
तो उस तरीके से बहुत मज़ा आया। नींद कैसी हुई शोभित? नींद एक्चुअली मैं काफ़ी देर से सोया रात में, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ रीसेट में तो मुझे लगता है कि मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे रहता है। सो 4 or 5 hours आर मोर देन इनफ फॉर मी। सो यस्टरडे नाइट मुझे लगता है 2:30 हम लोग सोए होंगे और 7:30 में आई वेक अप, बट इट वॉज वेरी गुड। आई एम फीलिंग फ्रेश एक्चुअली। या हम सबके सब एकदम फ्रेश। मैं भी सेम ही टाइम पे इनके साथ ही सोया था और एज यूजुअल फ्लोर में सोया था। तो आज थोड़ा ज़्यादा व्लॉगिंग करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे अच्छी बात है देखो बाहर का व्यू, रोड बाहर चौड़ा एकदम, एक्सप्रेस वे है, गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे मस्त मिली हुई है देखो कोने में, एकदम स्पेशल पार्किंग। जिंदगी में क्या चाहिए बताओ। डे वन पे यहाँ पे गर्मी लग रही थी क्योंकि ब्लेजर व्लेजर था, आज सर्दी लग रही है। तो अभी रूम पे जाते हैं कुछ पहनते इसके ऊपर शर्ट वर्ट। लंच हो गया हमारा, कॉफ़ी की भी एक अच्छी जगह में यहाँ पता चल गई है। सो वी आर रियली एंजॉइंग अवर टाइम। हाँ साइड में ही है कॉफ़ी की जगह भी। हाँ वैसे अंदर भी काफ़ी अच्छी कॉफ़ी थी। यस इवेंट के बीचों बीच सर्दी थोड़ी सी हो गई है मुझे, थोड़ा मेडिसिन भी खाया है मैंने और एज यूजुअल स्टीम तो लेना ही है हमको। आ चुका हूँ वापस रंजना के रूम में, मतलब कि कल तो ऑब्वियसली ये लोग वहीं जाने वाले हैं हमारे रीसेट वाले होटल में चेक इन करने के लिए, मगर आज के लिए मैं यहाँ आ गया क्योंकि आज मैंने आई मैनेज जल्दी फ्री होने के लिए और सेमिनार थोड़ा लंबा चलता है तो कोई बात नहीं। बेबू खुश है, बहुत घूमने को मिला ना बेबू? कहाँ गए थे? चर्च? चर्च बीच? चर्च बीच बहुत घुमाया, बहुत खिलाया। और ये वाला होटल क्या है ना, उसके जहाँ पे सेमिनार हो रहा वैसे स्टैंडर्ड नहीं है, बट बड़ा बहुत है, रूम में कोई कमी नहीं है भाई। होटल में बहुत ही कमी है बट रूम में कोई कमी नहीं, जैसे आप देख सकते हो। 20 मिनट एक्स्ट्रा मिले उसकी हमें जरूरत थी क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करना पड़ता। आराम से ब्रेकफास्ट किया। ऑल सेट चले क्या? कॉफी? ओ कॉफी पी लो। बेबू हैज अ गॉट अ लुक ऑफ अ कैटी। बेबू हाउ डज कैटी से? यहाँ का चेकआउट 10 बजे है और वहाँ का चेक इन 2 बजे है, लेकिन इसको मेरे बिना ट्रैवल करने में तकलीफ होगी तो ये यहाँ पे जल्दी चेक इन करके मेरे चेकआउट करके मेरे साथ ही जा रही है और वहाँ जाके टाइम पास करेगी। टाइम पास करने के लिए जिम है, स्विमिंग है ना। डू नॉट मूव दिस चेयर, डू नॉट मूव द कैमरा। आज का आउटफिट मांग रहे हैं डे 3 रीसेट का, फुल ब्लैक सूट। लेट्स चेंज इट। 1 2 3 रेडी? नॉट येट। Blazer must fly. ब्लैक पार्टी सूट बोलते हैं, हमारे पास टक्सीडो है हमारा शादी का, वो पहनते हम। क्या सही बोला ना? चलो लेट्स गो टू नाउ फन खंबाटा विच इज अबाउट 20 मिनट्स एंड होपफुली वी आर ऑन टाइम। बेबू या ओ नो नॉट टाइम, वी डोंट वांट टू बी ऑन टाइम, वी वांट टू स्विमिंग। अरे हां पापा गॉट वॉक एट द यस्टरडे वी वॉक ऑल द वे फ्रॉम हियर। इट वाज लवली वॉकिंग। वी वॉक या दिस एरिया सरप्राइजिंगली रोड्स आर वेरी वाइड। पापा वी वॉक ऑल द वे टू द ओके। तो वी वर थिंकिंग कि ये 3 घंटे के लोग क्या करेंगे, मगर जो मेरे पार्टनर हैं शोभित, उन्होंने सेम रूम एक्सटेंड कर लिया तो वो 3 घंटे के लिए, जब तक हमें हमारा रूम 2 बजे नहीं मिलता, इनके पास एक रूम है सो ये लोग रिलैक्स कर सकते, तो ये परफेक्ट हो गया। दैट डिसीजन ऑफ ब्रिंगिंग यू हियर वाज स्पॉट ऑन। जाओ एंजॉय, बाय। फर्स्ट सेशन टुडे, आज लास्ट दिन है रीसेट का, तो आज फर्स्ट सेशन काफ़ी इंटेंस था और अभी मैंने सोचा कि रंजना को फ़ोन करता हूँ, बुलाता हूँ कहाँ है किधर है। तो लंच का हमें एग्जैक्ट 30 मिनट्स का ब्रेक मिला है, टाइमली एकदम, टाइम से जाना नहीं तो बाहर हो जाएंगे। वो ऑलरेडी रेस्टोरेंट में ही थे, मतलब इट्स बीन अ परफेक्ट डे टुडे। व्हाट हैव यू ऑर्डर्ड? रसगुल्ला नहीं खाने का, बट गुलाब जामुन। बट वी आर डाइटिंग टू बिग पूरीज।
बट वी हैव टू टेक एक्शन. या सोचने से कुछ नहीं होता, उससे अच्छा एक चीज सोचो और करो उसको. दोस्तों रीसेट का मेरा और शोभित का एक्सपीरियंस एक नॉर्मल लेवल पे शायद किसी के लिए एप्लीकेबल ना हो, तो हमारे पास यहाँ है काफी यंग बंदा, वो तुम्हारे पास है 30 सेकंड. 30 सेकंड में बताओ रीसेट में क्या क्या सीखा. एनर्जी लेवल, अपने इमोशन कैसे कंट्रोल करने हैं ये सीखा. ओके, दूसरा सवाल, तुम्हारे पास 20 सेकंड है. रीसेट के बाद कल से क्या क्या चेंज करने वाले. फर्स्ट डे से मैं सब कुछ चेंज करने वाला हूँ. अपना वर्कआउट टाइम पे करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, ऑफिस टाइम से जाना है, सारे काम फिनिश करने पूरे ऑफिस के. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये कल से और ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा. यस सर. जो कुछ भी कर रहा है दोस्तों, जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो कभी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे, इतने टैलेंटेड, क्रिएटिव लोगों से दोस्ती होगी. दोस्ती हो गई. उसके बाद कभी नहीं सोचा था कि YouTube वीडियो और इन सब स्किल से यू नो ऐसे टैलेंटेड लोगों के साथ ऐसे सेशंस अटेंड करने मिलेगा. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं खुद कभी ऐसा सेशन बुक नहीं करता क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि कुछ मिसिंग है. बट देन थैंक्स टू शोभित एंड माय पार्टनर. कि ही बुक दिस कोर्स फॉर मी एंड आई गॉट टू लर्न सो मच. I am ready to show the world what it means to reset. Of future love, I want you to make the sound of victory. Are you ready for that? Yeah. Put the lights up there. 3, 2, 1, make the sound of victory. Be a part of the support team. Yes, the person who's been absolutely challenged. I mean, you see the vital energy that comes out of this man. Yes, thank you. Thank you.